कांवड़ यात्रा की तैयारी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभागों के अफसरों की बैठक ली। बैठक में सीएम ने कांवड़ यात्रा से जुड़े तमाम दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं सतपाल महाराज कांवड़ यात्रा और अन्य त्योहारों को लेकर अधिकारियों को विस्तार से निर्देश दे चुके हैं। वहीं आगामी 14 जुलाई से उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा शुरू होने के साथ ही 26 जुलाई तक करोड़ों श्रद्धालुओं के यहाँ पहुँचने की उम्मीद है। सीएम ने इस बार करीब 4 करोड़ की कांवड़ यात्रियों के पहुँचने की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि सभी कांवड़ियों से पौधारोपण जरूर कराएं। हरिद्वार से हर तिवारी की व्यवस्था है, यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था है, आने जाने की व्यवस्था की व्यवस्था है, रास्तों में भंडारी इत्यादि लगते हैं, टेंट लगते हैं, इन सभी की व्यवस्था अच्छी है। सभी हम जाते हैं, जितने भी शिव भक्त बाबा भक्त यहाँ आए, सभी सुरक्षित आए, उनकी यात्रा अच्छी हो, सरल हो, सुगम हो और वो सुरक्षित हो। सर, बहुत ये रिक्वेस्ट की गई है कि इस पूरी कांवड़ यात्रा को नशा मुक्त रखें और सद्भाव और प्रेम का परिचय देते हुए यात्रा को सफल करके, और इसमें व्यवस्था की गई है और जो इसमें डाक यात्री कांवड़ यात्री होते हैं जो तेज़ी से जाते हैं उनके लिए भी कहा गया है, लोगों से रिक्वेस्ट की गई है कि जो कांवड़ हो वो कम से कम 7 फीट से ऊंचा ना हो।